वेलकम बैक गाइस, पीस ऑन यू ऑल। सो चैप्टर 6 के हमारे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टू फॉर्मूलास जो हमें गो थ्रू करना है। जिस तरह के हमने इंट्रो में डिस्कस किया था उस हवाले से हम पहले क्या क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूलास में क्या क्या है, फिर क्रिएट अ फर्स्ट फॉर्मूला, आप अपना फॉर्मूला, अब तक तुम फॉर्मूला रट्टे मारते हुए आ रहे थे, अब तुम अपना फॉर्मूला बना सकते हो यूजिंग फंक्शन टू क्रिएट अ फॉर्मूला। क्या फंक्शन है, फंक्शन फॉर्मूला में फर्क थोड़ा पता चलेगा क्या, और किन फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हुए अपने फॉर्मूले बना सकते हैं, और नेस्टेड फंक्शंस क्या हैं, इन द एंड फिर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस क्या हैं, अवॉइडिंग कॉमन फॉर्मूला एरर्स में जो लोग अक्सर गलती करते हैं, एंड इन द एंड डिलीटिंग फॉर्मूला, फॉर्मूले को डिलीट कर देना है। तो आई डू होप 15 मिनट में सब कवरेज कर लेंगे, नहीं तो हम ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करके आगे फिर की बट करेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू फॉर्मूला। फॉर्मूले के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रही है, बोले फॉर्मूला कुछ भी एक रिटन फॉर्म में कुछ भी जुमला है जो आप देखते हो, जो बहुत सिंपल से बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ हो सकती है, बहुत सिंपल से बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अच्छा, और मगर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट उसने बोली जो मैं हाईलाइट करना भी चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि वो चीज़ साइन जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है ना वो इक्वल साइन से होता है। ये चीज़ याद रख लेना, जी हमने पहले भी पढ़ा था, इक्वल साइन, इक्वल साइन नहीं तो कुछ भी नहीं, इक्वल साइन उन्होंने लाजमी है। ठीक है, ये होगी सिंपल फॉर्मूला कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज है और साइन इक्वल से करेंगे। सेकंड, ये फंक्शन के हवाले से बोलने चाह रहा है कि फंक्शन कोई भी स्मॉल प्रोग्राम है, तुमने वो सेटिंग की हुई है पहले से, कुछ कैलकुलेटर स्पेसिफिक वैल्यू स्पेसिफाई किया हुआ है तो मैं ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल प्लस एक फंक्शन, इसका काम प्लस करना है, माइनस एक फंक्शन, इसका काम माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड और जितने आगे कंटिन्यू करते जाओ। इसमें भी यही फंक्शन के हवाले से कुछ बोले, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे कोर्स में ही नहीं है, उसको तो बच गया, अल्लाह का शुक्र अदा करो वो हमारे हिस्से का नहीं है। बाकी कुछ अलॉन्ग साइड फंक्शन इस्तेमाल होता है आमतौर पर, पेरेंथीसाइज या कुछ भी पढ़ लो, ब्रैकेट का नाम है ये, दो राउंड ब्रैकेट को बोलते हैं पेरेंथीसाइज, पेरेंथीसाइज ब्रैकेट, तो अक्सर ये इस्तेमाल होता है फंक्शन में। दो फंक्शन हमारे नाउ और सम हमें दिख रहे हैं सामने, जो नाउ तो हमने महल से पहले इस्तेमाल कर चुके हैं जिसे करंट टाइम निकालते हैं। अब इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं, फॉर्मूलाज होते क्यों, यूजिंग फंक्शन सेल रेफरेंस कॉन्स्टेंट एंड ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे आपको दे रहा है, जिसे किसने की एग्जाम्पल दी तो मैं यहाँ पे बड़ी अच्छी, इजिकल टू लगाना लाजमी याद रखना फंक्शन फार्मूला में, इजिकल टू, अच्छा टू के बाद लिखा मल्टीप्लाई पाई इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई ए वन। अच्छा फार्मूलाज को हम सेल जो हम पढ़े, सेल को सेल भी सवाल करते हैं कॉन्स्टेंट ऊपर देख चुके हैं। अच्छा अब उस हवाले से बोले फंक्शन है हमारा, फॉर एग्जाम्पल इजिकल टू टू मल्टीप्लाई बाई पी इंटू ए वन। अब टू तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का एक नंबर है, कॉन्स्टेंट है, पाई पाई भी सेल्फ है, उसकी वैल्यू सिंपल है 3.14159, उनकी वैल्यू ना भी लिखी उसने यहाँ पे लिखी हुई है वैसे, ये बिल्ट इन चीज़ है। उसके अलावा ए वन, ए वन में एक चीज़ होना लाजमी कि ए वन के अंदर आपने क्या डाटा डाला है, ए वन सेल का नंबर है, बी रिमेंबर ए वन सेल का नंबर है। उसके अलावा अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो सम का सम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो तो सम के अंदर कुछ होना लाजमी है, किस चीज़ को सम करवा रहे हो, खाली सम कुछ नहीं कर सकता, यू हैव टू टेल समथिंग कि वॉट यू वॉन्ट टू एड अप। ठीक है, विदाउट टेलिंग वॉट वॉन्ट टू एड अप कोई चीज़ ऐड हो नहीं सकती, तो समझिए सेल रेफरेंस समझ गए, कॉन्स्टेंट टू है समझ गए। ऐसे ही सिमिलरली ऑपरेटर, आप ऑपरेटर कैसे बोलते हैं जिससे काम बढ़े, ऑपरेटर ऑपरेटर यहाँ पे बोलते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे साइन जो हैं इसको ऑपरेटर हैं, या टू या एक ऑपरेटर है, ये स्पेशल ऑपरेटर टू रेज द पावर, जो हम लोग पावर लगाते हैं अक्सर। अच्छा सो द सेल विल शो द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग टू टाइम, मल्टीप्लाई इस्तेमाल कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करके दिखाएगा, और ए वन रेफरेंस दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ए वन के अंदर मान लो बोल रहे कि ए वन के अंदर मान लो वैल्यू 10 है, अब फिर इसमें तुम वैल्यू पुट कर रहे हो तो हमें पढ़ चुके हैं टू मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई बाई ए वन लिखा हुआ था, पर देख लेना 10 ए वन की जगह 10 आएगा, तो हमारा सिंपल हमारा आंसर ये आ गया सिंपल। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, बोलो जैसे ऊपर एग्जाम्पल आप इतना कुछ सीख चुके हैं तो आगे आप एक्सेल कॉलम रॉ में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे डायनेमिक टूल्स हैं हमारे, बहुत सारे हमारे डायनेमिक टूल्स हैं जिसको हम कस्टमाइज अपनी नीड के हवाले से सूट टेलरिंग कर सकते हैं, हमारी नीड हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स भी इसमें सब सॉल्व होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होते हैं, इंटरेस्ट निकाल लगते हैं यार सूद कितना, तो कौन सा मुल्क कितना सूद खा रहा है और कितना ले रहा है, कौन दे रहा है, द लिस्ट इज लिटरली एंडलेस। बोले लिस्ट जो है ना खत्म नहीं होने वाली, तुम अपनी खाली अपनी जरूरतें पूरी करो और आगे निकलो, इसलिए उसने एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है। अच्छा फिर ये ऐसा मदर एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मूलाज टू हेल्प गेट अस स्टार्टेड, थोड़ी और एग्जाम्पल्स ये दे रहे हैं जिसे हम मजीद स्टार्ट आगे कर सकते हैं।
बड़ी अच्छी एग्जाम्पल इसने दी है यहाँ पे, टुडे लिख दूंगा। अगर तुम टुडे लिखोगे, टुडे का मतलब है अभी की करंट डेट बताओ क्या है। अपर अपर लिख अपर फंक्शन इस्तेमाल कर उसको अंदर ब्रैकेट में लिख दे कन्वर्ट। अब कन्वर्ट तुमने स्मॉल अल्फाबेट में लिखा है तो ये बड़े लफ्जों में करके दिखा देगा कन्वर्ट, सबको सबको कैपिटलाइज दे देगा। कैपिटल पनिशमेंट नहीं, सजाए मौत नहीं, कैपिटल अल्फाबेट्स। और फिर अगर तुमने लिखा इफ सी वन इज लेस देन 100 तो फिर तुम सही खुद बताएगा चेक करके कि 100 है या नहीं। ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देगा, ट्रू या फॉल्स, हाँ है या तो नहीं है। फिर एस क्यू आर टी मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट E3 में ब्रैकेट में लिखा है। अब E3 में जो भी वैल्यू है उसका ये तुम्हें स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। और इन द एंड हमारे बच्चों वाली मैथ बचपन से पढ़ते रहे हैं, D4 प्लस करो, मैं उससे पहले E4 और F4 को मल्टीप्लाई करना है, प्लस करके माइनस करना है, उन सबको डिवाइड बाई 3 करना है, ये सब लिखा हुआ है, ये सब तुम करके सब दे देगा। अलहमदुल्ला हमने पहला पहले सेशन का सब सेशन कम्प्लीट कर लिया। अब सेकेंड सेकेंड सब सेक्शन बना रहे हैं, क्रिएट योर फर्स्ट फार्मूला। तुम अपना फार्मूला क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी लाओ, ड्राइव करो। सिंपल बोला है इसने कि कोई सा भी सेल पकड़ लो, कोई सा भी सेल पकड़ लो, एक्टिव सेल अपना बना लो, उसमें तुम इक्वल की साइन डाल दो। इक्वल की साइन डालना लाजमी है। उसके बाद तुम कोई भी नंबर उठा लो, कॉन्स्टेंट उठा लो, कोई भी ऑपरेटर उठा लो, दोनों को मिला मिला के जो करना चाह रहे हो करो। 7 + 11 जैसे इन्होंने किया, या 14 की पावर 8 इन्होंने जैसे किया है, ये किया है, तुम ये करना चाह रहे हो ये कर लो, फिर आंसर आ जाएगा। या फिर रादर के तुम नंबर नहीं चाह रहे, तुमने ऑलरेडी और सेलों में वैल्यूज डाली हुई, तुम उन चाह रहे हो कि मुख्तलिफ सेल्स आपस में टक्कर खाएं, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो, जो ऑपरेटर तो उनके दरमियान तुम चाहो तो उनमें वैल्यूज अगर डली हुई है, तुम डाली हुई है सेल में, तो तुम ये कर सकते हो कि A1 + 11, A1 एक सेल है, 11 एक कॉन्स्टेंट है, या तुम दो आपस में क्या कहते हैं दो सेल को मिलाना चाह रहे हो, दो सेल को मिला लो C1 की पावर C2, सिंपल था, सिंपल एज इट। और फिर जैसे ही तुम इंटर दबाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम इंटर दबाओ काम अपना पालो। बोले बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ बेइंतहा एक्सेल में डाल सकते हो, मगर मैक्सिमम लिमिट आ रखो एक्सेल की, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, ये तुम्हारे MCQs में बहुत प्यारा आ सकता है सवाल, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 8192 कैरेक्टर्स हैं ये, याद रखो, इससे ऊपर तुम जा नहीं सकते। पिछले एग्जाम्पल में करके भी दिखा दिया, फॉर एग्जाम्पल किसने लिखा है कि सेल ए में एक्टिव A1 में से लिखा है कि C1 की पावर C2, अब C1 में वैल्यू 4 है और C2 में वैल्यू 3 है, उसने अब आंसर क्या आएगा, 4 की पावर 3 क्या है, 4 4 16 16 4 64, तो आंसर आ गया 64। सिंपल, ये सिंपल काम किया इसने। अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड सबसेक्शन भी कम्प्लीट कर लिया, हम थर्ड सबसेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं और अराउंड हमारे पास आधा टाइम अभी मजीद है। यूजिंग फंक्शन टू क्रिएट अ फार्मूला, अब फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हो आप फार्मूला क्रिएट करने के लिए, तो दो तरीके कार क्या हैं, दो तरीके कार हैं, यूजिंग इंसर्ट फंक्शन लगा रहे हो आप FX ऑन द फार्मूला बार, फार्मूला बार में सिंपल पुट करके आपने डाल दिया, या फिर आप चाह रहे हो यूजिंग डाउन द मेन्यूज फ्रॉम द फार्मूला टैब, फार्मूला टैब में आप कोई भी मेन्यू पे जाओ, वहाँ पे ड्रॉप डाउन करके जो आपको पसंद आ रहा है वो आप कर लिया आपने, ये कर सकते हो। लेटेस्ट इलस्ट्रेट बोर्ड, दोनों टेक्निक बहुत सिंपल, वीकली एक एग्जाम्पल ले लिए सेल रिपोर्ट की, जो वीकली होता है सेल लोग मानते हैं, तो उसके लिए दो फार्मूला इस्तेमाल होते हैं, वो किस तरह होते हैं नीचे दिखा रहे हैं, एक इन सेल B10 इस्तेमाल किया है इसने, और एक इसने B12 में, एक B12 में फार्मूला से इस्तेमाल किया है, तो इसको हम देखते हैं नीचे इसने एग्जाम्पल में कैसे किया। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले दी इसने कि एक जगह डेज, दूसरी जगह टोटल, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, बाकी सेल मार दी 400 600 की। अब ये इधर जो चाह रहे हैं, अब इधर सेल कौन सा है, ये सेल अगर गौर से देखो तुम, ये सेल कौन सा है, B+10 और सेकेंड जो एवरेज, एक टोटल सेल मांग रहा है, लमसम पूरी बताओ कितना कमाया, बाकी एक एवरेज चाह रहे हैं कि एक डे के हिसाब से बताओ कितना एवरेज, मतलब सबको प्लस करो डिवाइड बाई 5 कर दो, तो ये दो चीज़ें आई हैं कैसे, इसको इसको हमें समझना है। तो ये यहाँ पे बताएंगे B10 में जैसे बता रहे हैं कि 2500 सेल आ रही है और बाकी डिवाइड करके बता रहे कि 500 की इसने वो मार दिया है एवरेज मार, दोनों दोनों जगह पर आएंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पॉइंट भी कंप्लीट किया, अब इसको मजीद एलोब्रेट खोलेंगे, इंसर्ट फंक्शन ये करते हैं कैसे हैं। इंसर्ट फंक्शन सिंपल बोल रहे, पहले हमने दो फंक्शन देखे, तो पहला फंक्शन हम देख रहे हैं इंसर्ट फंक्शन इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि पांचों का सम चाह रहे हैं और इसी को भी हम इस्तेमाल भी करेंगे। बोले पहले तो क्लिक B10 कर लो आप, सिंपल B10 पे क्लिक कर लिया अपने एक्टिव सेल, उसके बाद बोले इंसर्ट फंक्शन में जाओ ऑन द फार्मूला बार पर तुम ऊपर जाओगे देखोगे नोट लेटर एक्सेल इंसर्ट है। अच्छा ये बड़ी प्यारी बात बोल रहे कि यहाँ पे वैसे तो हमें इक्वल की साइन लगानी होती है,
यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली इक्वल की साइन लगा रहा है। और फिर सेलेक्ट द फॉर्मूला फ्रॉम अ डायलॉग बॉक्स, फिर डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ पे तुम जाके एंटर मार दो। और वहाँ छोटी सी बात नोट करने की है, छोटी सी बात, वहाँ अगर तुम्हारी जो तुम देखना चाह रहे थे वो तुम्हें नहीं दिख रहा, सिंपल सर्च कर लो बाय फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग सम। हम सम करना चाह रहे थे ना पाँच चीज़ों का, सम मतलब एडअप करना, तो दिखा देगा टू जनरेट सजेशन, सजेशन देगा। तो ये इसने दिखा दी, ये खोला हुआ है इसने, नंबर वन क्या है एक्टिव सेल पे क्लिक किया इसने, नंबर टू फिर क्लिक इंसर्ट फंक्शन बॉक्स पे गया, नंबर थ्री यूजिंग सर्च टू हेल्प फाइंड सम सेलेक्ट सम फॉर्मूला और देन क्लिक ओके। पांच कदम कर लिए, तुम्हारा आधा सारा काम हो गया। अब जैसे तुम एंटर प्रेस करोगे आफ्टर सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, तुमने फॉर्मूला चुन लिया एंटर करोगे, तो अब यहाँ से तुम्हारा डायलॉग बॉक्स पर क्या होगा, द फंक्शन आर्गुमेंट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले। अब डायलॉग बॉक्स तुम्हारा खुल गया है। अच्छा अब इधर तुम्हें रेंज बतानी, तुम किसको प्लस करना चाह रहे हो, अपनी रेंज बताओ, रॉ चाह रहे हो, कॉलम, जो भी तुम चाह रहे हो बताओ। दिस इज वेयर यू एंटर द 10 10 10 एक टाइम मारोगे और फिर दिस में और मे नॉट रिक्वायर अमेंडमेंट, फिर कोई जरूरत नहीं है कोई इसमें इसलाह करो, सिंपल पहले से चीज़ ये आ जाएगी तुम्हारे पास, अपेयर हो रही है B4 to B9, तुम ओके करोगे तो ये मतलब ये आ गया यहाँ पे लिखा हुआ इस तरह। ये लिखा हुआ आ गया ऐसे यहाँ पे सम इज इक्वल टू B4 और B9, देन यू विल जैसे तुम ओके करोगे कंफर्म करोगे तुम्हारा ये B4 B5 B6 B7 B8 B9 चारों को ये सब जो जितने भी हैं ये सबको एडअप कर देगा और तुम्हारा आंसर मतलब B4 to B9 का रेशियो देके 2500 आंसर तुम्हारा निकाल देगा ये इसमें, जैसे कि नीचे दिखा रहे हैं अभी 2500 आंसर आ रहा है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, एक्सेल में आते हैं, यहाँ पर हटाओ, शीट वन खोलते हैं, यहाँ मैं ऐड करता हूँ, जैसे ये डाटा मैंने उतार दिया पूरी बुक से, पूरा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, हमें चारों सबको प्लस करना, तो मैं ऐप दबाऊंगा मैं ऐप, ठीक है एफ इज इक्वल टू ऑटोमेटिक, हमने देखा नोट किया ऑटोमेटिक आया है वहाँ पे। अब मैं चाहूँ सम, सम ऑटोमेटिक ऊपर लिखा हुआ है, नहीं तो मैं सर्च कर लेता। अब मैंने सम पे क्लिक किया, सम लिखा हुआ आ गया। अच्छा अब यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर लिखे हुआ था, ठीक है यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखे हुआ था, अभी लिखना पड़ रहा था लिख देते हैं, ऑटोमेटिक इसलिए लिखे हुए नहीं आए, लिखे हुए नहीं आए थे, मैंने एक्टिव सेल कलेक्ट नहीं किया। अब मैंने एक्टिव सेल दबा रहा हूँ, ये मैंने एक्टिव सेल याद से दबाना है, ये मैंने एक्टिव सेल दबाया क्लिक, टोटल क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं गया फॉर्मूले पे, फॉर्मूले पे आया, सम पे क्लिक किया मैंने, ये ऑटोमेटिक B3 से B8 लिखे हुए आ गए। अब मैं जैसे मैं ओके करूँगा यहाँ आगे बता भी रहे, मैं प्लस कर दूँ सर, जी हाँ मैंने बोला प्लस कर दें, ओके दबाया 2500 लिखा हुआ आ गया, सिंपल एज इट। ये था पहले कि एक्टिव सेल पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर फॉर्मूले में जाना है, फिर वो सम का है नहीं सर्च कर लो सम, फिर वो प्रिडिक्शन दे देगा ये करना चाह रहा, बोलो आमतौर पर सही प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन इसकी सोच सही होती है, फिर ओके करोगे सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑन द फॉर्मूला टैब, ये बड़ी काम की चीज़ है, इसमें क्या करना है हमें। ड्रॉप डाउन में इतना बड़ा काम नहीं है, बोल रहे हैं सिंपल आप फॉर्मूला जो बिल्ट इन हुआ है वो इस्तेमाल किस तरह करेंगे, पहले तो एक्टिव सेल क्रिएट कर लो अपना, जो भी तुम्हारा एक्टिव सेल है वो तुमने जहाँ पे आंसर ये क्लिक कर लिया। अब तुम गए फॉर्मूला टैब में, वहाँ पे खोलोगे वहाँ एवरेज का दबाओगे, एवरेज का दबाओगे तो वो अब इधर क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये तुमने एक्टिव सेल लिया पे फॉर्मूला टैब खोल के तुम यहाँ पे एवरेज तक पहुँचे। अब क्या किया वहाँ पे नहीं है वंस अगेन, अब यहाँ तुम्हें होशियार हो जाना है। अब पता क्या करेगा, पाँच तुमने सम भी निकाला हुआ है, याद रखो सम निकाला हुआ है, तो वो तुम्हारे पाँच नंबर पहले सम को भी उसमें डाल के एवरेज करेगा। यहाँ तुम्हें करेक्शन करनी है, वो जो सम वाला जो सेल है ना उसको हटा के सही सेल पुट करके एवरेज निकालना है, कन्फर्म करना है। ये बात यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है, ये करके भी दिखाया इन्होंने। अब B4 से B11 लिखा हुआ है, B11 जो सेल दे रहे हैं ना ये B11, ये यहाँ से यहाँ पे दे रही है, अगर गौर से देखो ना ये यहाँ तक का दे रही है, यहाँ तक का ये 11 दिख रहा है लिखा हुआ 11 तक का, हमें 8 तक का चाहिए, वो भी हमें कहाँ से चाहिए B4 से लेके, ये हमें चाहिए खाली, तो हम B4 से कहाँ मांगेंगे B8, तो हमारा सही आंसर रहेगा। अब तुमने मिटाया उसे B11 और यहाँ लिखा B8 मैनुअली अपने हाथ से, हमें कीबोर्ड से करना पड़ेगा ये काम। ये करने के बाद नाउ और फिर क्या नाम है रिजल्ट बता देगा, या रिजल्ट ओके करने से पहले बता देगा रिजल्ट लिखा हुआ आएगा, पसंद आया ठीक है लेने लो, नहीं लेना तो आगे जाओ, क्लिक ओके, यहाँ से लिखा हुआ आ गया 500, सिंपल सिंपल रिजल्ट। इसको एक्सेल में करते हैं, ये आ गया, यहाँ पे हमें एवरेज लिखना है, इस एक्टिव सेल को कलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने एवरेज सेल ये कलेक्ट किया इसके बाद मैं गया फॉर्मूला टैब पे, फॉर्मूला पे गया, अब फॉर्मूला से जाऊँगा मोर फंक्शन पे, मोर फंक्शन में जाऊँगा मैं स्टैटिस्टिकल पे, यहाँ पे देखूंगा एवरेज का है, ये रहा एवरेज, एवरेज जैसे दबाया मैंने
देखो ऑटोमेटिकली B10 तक पहुंच गया, मुझे B10 तक नहीं जाना, मुझे B10 तक नहीं जाना, मेरा 200 कहाँ तक खत्म हो रहा है, B7 खत्म हो रहा है, B7 लिख रहा हूँ मैं, B7, और मैं ओके कर दूंगा जैसे ही जो मेरे एक्टिव सेवन देखो E B3 इंटू बेस B7 लिखा हुआ आ रहा है, ओके करूंगा, सिंपल 500 आंसर आ गया, सिंपल एज इट। सो आई डू होप ये सब समझ में आया होगा, तो सब चीज़ों को प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। 15 मिनट हमारे हो गए, तो बाकी रिमेनिंग जो 4 टॉपिक, हमने 3 टॉपिक हमने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से, इंट्रोडक्शन टू फार्मूला, क्रिएट योर फर्स्ट फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारक को बना लिया, और यूजिंग फंक्शन टू क्रिएट अ फार्मूला, 2 फंक्शन हमने इस्तेमाल किए। अभी बाकी 4 चीज़ें रह गई हमारी, नेस्टेड, रिलेटिव, अवॉइडिंग एंड डिलीटिंग फार्मूला, इसको नेक्स्ट 15 मिनट्स हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टाइम टेक केयर ऑफ योर।